हेलो बच्चा, आज कैसे हो आप लोग सब? दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड वाइट एंड वी आर हेयर टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ क्लास सिक्स. हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री में, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. ओके, एंड टुडे हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आगे कन्वे करेंगे. प्रीवियसली हमने ये स्टार्ट किया था कि लास्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं हिस्टोरियंस के. आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स उसके क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. एंड रिमेंबर, क्वेश्चन आंसर इसके रिलेट नहीं करते आप लोग के एग्जाम क्वेश्चन आंसर से. इट इज़ जस्ट कि आपकी एक एक्टिविटी है सो दैट वी कैन गो थ्रू द चैप्टर. ओके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करूँगी. क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहला आपका क्वेश्चन, हु स्टडी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कौन कौन पढ़ता है? ठीक है, हमने ये तो पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली में पढ़ता कौन है? तो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक है, और उसमें से सबसे पहले हमारे, द वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड द अदर ग्रुप इज हिस्टोरियंस. ठीक है, तो अब हम लोग इस दोनों ग्रुप्स को एक्सप्लेन कर देंगे इस आंसर में. नंबर फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल्स. तो आर्कियोलॉजिकल्स कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिकल्स वैसे लोग होते हैं, दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, प्लेन्स, कॉइन्स के ऊपर पढ़ाई करना, छोटे छोटे बिल्डिंग स्क्रप्चर्स उसके ऊपर पढ़ाई करना, पुराने ज़माने की चीज़ों के ऊपर स्टडी करके हिस्ट्री के फैक्ट्स निकालना, ये आर्कियोलॉजिकल्स का काम होता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ये जानने के लिए कि पहले ज़माने के लोग किस तरह का खाना खाते थे, इवन वो जानवरों की हड्डियों के ऊपर भी स्टडी करते थे और उनके फूड्स का हिस्ट्री निकालते थे. रिमेंबर, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें. सेकेंड ग्रुप है, एंड द अदर ग्रुप वॉज कॉल्ड हिस्टोरियंस. तो अब हिस्टोरियंस को एक्सप्लेन कर देते हैं. हिस्टोरियंस क्या होते हैं? हिस्टोरियंस आर द ग्रुप ऑफ पीपल दैट वेयर स्टडी, उस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडीज पास्ट, जो पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं. और वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि वो इसका इंस्क्रिप्शन तैयार कर सके, सील्स बना सके या स्क्रिप्ट लिख सके. ठीक है, हिस्टोरियंस पास्ट की पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखते हैं, सील्स लिखते हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. ओके, और वो उसे हम पढ़ करके हमें पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. आप लोगों को डिफरेंस मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का पता ही है. सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर लिखिएगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखे जाते हैं, लीफ, पाम लीव्स के ऊपर लिखे जाते हैं ना, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री जिसे हम लोग बिर्च कहते हैं. लेकिन इंस्क्रिप्शन किसके, हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं. हार्ड सरफेस स्टोन हो सकता है, मेटल्स हो सकता है. ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? रिटन ऑन अ लीव्स, रिटन ऑन अ पाम लीव्स और अ बार्क ऑफ अ ट्री कॉल्ड ब्रिज. और इंस्क्रिप्शन क्या है? रिटन ऑन हार्ड सर्फेस, स्टोन और मेटल. ये आपका वन मेजर डिफरेंस है. ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं व्हाट आर सुलेमान एंड कातिर हिल्स लोकेटेड, सॉरी वेयर आर सुलेमान्स एंड कातिर हिल्स लोकेटेड. सुलेमान और कातिर हिल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं, वो कहाँ लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वर्स. ठीक है, व्हाई वाज मगध फेमस, मगधा फेमस क्यों था? मगध वाज फेमस बिकॉज ऑफ देयर राजपूत. वहाँ पे एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, राजपूत. मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में ये बात बताई थी, राजा के जो बेटे उन्हें राजपूत कहा जाता था. वहाँ पर उन्हें एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया था राजपूत का, जिन्हें कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं और वो बहुत फेथफुल, लॉयल होते हैं अपने काम के थ्रू. तो वो पूरा टाइम पीरियड कहाँ था? राजपूतों का था. ठीक है, राजपूत सेशन ही उन्हें कहा जाता, दैट इज़ वाई, क्योंकि मगध में बहुत सारे राजपूत रहते थे, बहुत सारे राजपूत होते थे, वो पूरा सेशन ही, पूरा एरिया ही राजपूतों का था. दैट इज वाई मगध इज फेमस. अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर द जॉब्स ऑफ रिलीजियस टीचर्स. रिलीजियस टीचर्स का क्या जॉब्स होता था? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी, रिलीजियस टीचर्स का यही काम होता था कि वो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जानकारी पढ़ा सके, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट कभी कभी भी पढ़ना इतना आसान नहीं होता. मैंने बताया था स्क्राइब्स क्या करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ के उसका जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, तो जो उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट में लगता है कि ये बहुत टफ है, लोगों के समझ नहीं आए, तो वो उसे अपने हिसाब से चेंज कर देते थे, स्क्राइब्स जो लिखते थे डॉक्यूमेंट्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बताना, इंस्क्रिप्शंस को बताना, रिलीजियस लिटरेचर के बारे में हमें बताना, पूर्वजों के बारे में बताना, रिलीजियस हमारा क्या धर्म है ये सब हमें बताना, और हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, यही काम था हमारे रिलीजियस टीचर्स का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वे यूज इन राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए उस टाइम पे क्या यूज होता था? बहुत ईजी आंसर है, पाम लीव्स यूज होते थे या बार्क ऑफ अ ट्री जिसे हम लोग बिर्च के नाम से जानते हैं, वो यूज होता था. व्हाट आर कॉल्ड द लिटरली सोर्स एंड व्हाट रिकॉर्ड्स दे इंक्लूड. लिटरली सोर्स किसे कहते हैं?
लिटरली सोर्स वो होता है बच्चों जो हाथों द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स एनी हिस्ट्री फैक्ट दैट इज रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड लिटरली सोर्स। और लिटरली सोर्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व है, रिलीजियस एंड लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर रिकॉर्ड्स और रिलीजियस रिकॉर्ड्स जो होते हैं, या आप कह सकते हो रिलीजियस रिकॉर्ड्स एंड आप कह सकते हो कि हॉली रिकॉर्ड्स जितने होते हैं, ठीक है, वो हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं लिटरेरी रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट आर्कियोलॉजिकल्स एंड हिस्टोरियंस आर डिडक्टिव्स। हम ये कैसे कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल्स और हिस्टोरियंस डिडक्टिव्स होते हैं, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमें ये पता है, हमने ये स्टार्टिंग प्रीवियसली जब हम ये चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा कि उन्हें जब कोई सोर्स मिलता है वो उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, और वो स्टडी करने के लिए मतलब एक छोटा सा भी उन्हें सोर्स मिलता है वो उनका क्लू बन जाता है। ठीक है, कोई भी सोर्स, अगर आर्कियोलॉजिकल को एक छोटी सी फिश की हड्डी मिली है तो वो उसके ऊपर स्टडी करने लगेंगे। अगर उन्हें कोई भी क्लू मिलता है कि ये पहले की कोई रहा ज़माने में कोई लोग इसे बहुत खाते थे या इस फिश का ये बेनिफिट्स है, तो वो उसके ऊपर लग जाते थे, उसकी पूरी स्टोरी बिहाइंड जानने के लिए वो उस पर एक तरह का वो पूरा का पूरा लॉन्ग डिस्टेंस सर्वे स्टार्ट कर लेते थे, एंड दैट बिकम फॉर उनके लिए बहुत एडवेंचरस और एक जर्नी बन जाती थी, वो हर क्लू को सर्च करते थे। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट आर्कियोलॉजिकल्स और हिस्टोरियंस क्या होते हैं, डिडक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे से छोटे रिसोर्स को भी क्लू के जैसा यूज़ करते हैं और उसको स्टडी करने के लिए पूरा जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो दिस एंड दैट अप एंड डाउन कुछ भी करके वो अपना वो जर्नी स्टार्ट करते, तो धीरे धीरे उनके लिए जर्नी क्या हो जाती, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं। और उनके बस इसी डिडक्टिव वाले जो फीचर होता ना, इसी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी नॉलेज है, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में खोज कर निकाल ही लेते हैं। ओके, एंड हर वक्त एवरी सेकंड सिंगल टाइम जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल्स होते हैं वो अपना क्लू ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ सुने इतिहास को कोई क्लू मिल जाए, ठीक है, कोई रिसोर्स मिल जाए जिसे वो क्लू के जैसा इस्तेमाल कर सके। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फाइंड अबाउट द पास्ट, अलग अलग क्या तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता रहा हो, डिफाइन ब्रीफली, तो जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, व्हाट आर द सोर्सेज, हाउ कैन वी फाइंड अबाउट द पास्ट, मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं आर्कियोलॉजिकल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, लिटरली रिसोर्स, ये सब आप उस वहाँ ये सब उसमें लिखेंगे और सबके बारे में 1-1, 2-2 lines एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा ये कि दीज आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन नो अबाउट आवर हिस्ट्री। पहला है आर्कियोलॉजिकल्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, दो ही तरह के सोर्सेज होते हैं बच्चों, एक आर्कियोलॉजी जो लोग रिमेन्स बिल्डिंग्स के ऊपर पढ़ाई करके जानते हैं, एक होते हैं हैंड रिटन रिसोर्सेज, हैंड रिटन में कौन कौन से आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आते हैं, लिटरली सोर्स आते हैं, और अगर आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट के जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो, तो आप बेसिकली ये सारे पॉइंट्स लिख करके इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो इसमें आपका ये आंसर निकल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ पर आपकी ये पूरी चैप्टर फिनिश होती है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑफ क्लास 6, दैट विल बी सिविक्स का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन तो आप इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से स्टडी कीजिए, से नोट्स बनाइए, इफ नॉट अगर आपको समझ नहीं आता अपने वीडियोस को, टर्न ऑन का एक्सप्लेनेशंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आई एम श्योर कि आपसे सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मुझे लिखिए, आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन, मैं श्योर श्योरली आपको वो आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो गो विद द चैप्टर, गो विद द क्वेश्चन आंसर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, टिल देन बी सेफ एट होम एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग।